बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज हम बनाएंगे अचारी आलू बैंगन की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। तो देखते हैं आलू बैंगन बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। आलू बैंगन हमने फ़्रेश लिए और इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिए। सब्जियों में हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लेमन, अदरक, हरा धनिया और पुदीना, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, दही, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। और खड़े मसालों में हमें चाहिए होगा दालचीनी के टुकड़े, साबुत काली मिर्च, लौंग, मेथी दाना, कलौंजी। स्पाइसी अचारी आलू बैंगन की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कसूरी मेथी। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियां काट लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक बैंगन। बैंगन के हम ऊपर वाले हिस्से को अलग कर लेंगे। बैंगन को हमने बड़े बड़े साइज़ में काटना है। इसी तरीके से हम सारे बैंगन को काट लेंगे। इसी तरीके से हम आलू को भी काट लेंगे। इसका छिलका हमने उतार लिया है। इसको हम बीच में से आधा कर लेंगे और इसके भी बड़े बड़े पीस कर लेंगे। सब्जियां हमने काट ली हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े, 3 अदद लौंग। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, कलवंजी और काली मिर्च साबुत। इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। मसालों को हमने फ्राई कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है और प्याज को हमने इसी तरीके से रहने देना है। लहसुन गोल्डन हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद छोटी साइज़ की हरी मिर्च। मिर्चों को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को हम इसमें 3 से 4 मिनट भून लेंगे कि टमाटर इसमें मेल्ट हो जाए। टमाटर को भूनने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम इसको खोल कर चेक करेंगे। टमाटर इसमें नरम हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, या आप हसबे ज़ायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनते वक्त साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लेमन। मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि बबल्स आ गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू को हम मसाले में 4 से 5 मिनट भून लेंगे। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
आलूओं को हमने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे इसमें कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के लगभग हम इसमें डालेंगे सूखी हुई कसूरी मेथी और इसको आलूओं के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। आलू की सब्ज़ी के साथ कसूरी मेथी का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जायका डबल हो जाता है अगर आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी को भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन। बैंगन को भी हम आलू के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। बैंगन को भी हमने 3 से 4 मिनट भून लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ पर मैं लूँगी इसमें 1/2 कप दही और इसमें हम बैंगन को भून लेंगे। दही के साथ हमने बैंगन और आलू को भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से लें कि उसमें जो आपने आलू लिए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। मैं यहाँ पर लूंगी 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी फ्रेश पुदीना। मिंट का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। और इसको हम सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी के साथ मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि इसमें मौजूद पानी में आलू और बैंगन अच्छे तरीके से पक जाएं। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। इसमें मौजूद आलू और बैंगन की सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको हम डिश आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। मज़ीद हेल्दी स्पाइसी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक कर लें और Instagram पर हमें फॉलो करें। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।